टू बर्नालिस किचन। आज मैं बनाऊंगी कबली चना मसाला। चना मसाला बनाने के लिए आपको क्या क्या सामग्री चाहिए? 2 कटा हुआ प्याज, 2 कटा हुआ हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 कटा हुआ टमाटर, और मैं चने को भिगो के रखी थी, उसके बाद मैं इसको उबाल के बनाऊंगी। तेल चाहिए आपको, नमक, चिल्ली पाउडर, मिर्ची पाउडर जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा चीनी। पहले मैं कढ़ाई में डालूंगी तेल। तेल में कढ़ाई पे डाल दिया हूँ। थोड़ा गर्म होने के बाद मैं डालूंगी प्याज। देखिए तेल गर्म हो गया है, अभी मैं डालूंगी इसमें प्याज। प्याज जब तक थोड़ा सा लाल नहीं हो जाता तब तक इसको थोड़ा सा भूनना पड़ेगा। देखिए प्याज थोड़ा थोड़ा ब्राउन होना शुरू हो गया है। अभी मैं इसमें डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। अभी मैं इसमें डालूंगी कटा हुआ हरी मिर्च। अभी मैं इसमें डालूंगी कटा हुआ टमाटर। अभी मैं इसमें डालूंगी नमक। मैं यहाँ पर 1 चम्मच नमक लिया हूँ। अभी मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढक दूंगी। अभी मैं इसमें डालूंगी हल्दी पाउडर। और मिर्ची पाउडर। फिर इसको अच्छे से मिलाना पड़ेगा। इस
इसको मिलाने के बाद मैं इसमें डालूंगी कबली चना। अब देख सकते हैं मैं इसको उबल के रखी थी, अभी आप इसमें डाल। डाल के इसको अच्छे से हिलाना पड़ेगा। अच्छा अब देख सकते हैं कितने अच्छे से काला इसमें आए हैं। फिर मैं इसमें डालूंगी जीरा पाउडर। मैं जीरा पाउडर एक चम्मच ले के अभी इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा पानी। अभी इसमें मैं थोड़ा चीनी डालूंगी, थोड़ा सा टेस्ट के लिए चीनी डालूंगी थोड़ा सा। अभी थोड़ी टाइम के लिए मैं इसको ढक दूंगी। अभी आप देख सकते हो मेरा कबली चना बनके रेडी हो गई है। अभी मैं गैस के ओवन बंद कर दूंगी और कटोरी में इसको मैं सर्व करूंगी। आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें और ना भूलें कि नोटिफिकेशंस ऑन कर देना।